हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रशांत कुमार एंड नाउ यू आर वाचिंग पीटीएस कैड एक्सपर्ट। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं वीरे में लाइट और कैमरा, कि किस तरह से एडवांस कैमरा और लाइट का यूज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे, किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये प्रोजेक्ट लोड करेंगे। लोड करने के बाद इस पे हम कैमरा फिट करेंगे और डिफरेंट वीरे की सेटिंग यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे किस तरह से हम एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सनलाइट आप देख सकते हैं, अभी सन इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पे। इसमें टाइम जोन के हिसाब से हम अलग अलग इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीरे में जाएंगे, यहाँ से रेंडर व्यू हम एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से रेजोल्यूशन को हम सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं DPI हम चेंज कर सकते हैं, अभी 150 रख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट हम सेटिंग पे जाते हैं। सेटिंग पे जाने के बाद जो हमारे पास अलग अलग सेटिंग होती हैं, तो इसमें RT पे क्लिक करेंगे और GPU एक्टिवेट कर देंगे CPU की बजाय, और इससे जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है रेंडरिंग का। उसके बाद हम RT रेंडर को एक्टिवेट करेंगे और जैसा कि आप इम्पैक्ट अभी देख सकते हैं, और यहाँ से हम एक्सपोजर वैल्यू कैमरा एडवांस सेटिंग ऑन करेंगे। और यहाँ पे इफेक्ट्स में मैंने पहले भी आपको बताया था, तीन सेटिंग्स होती हैं, डी फोकस, फोकस डिस्टेंस एंड ऑप्टिकल विजे। अब यहाँ से हम डी फोकस को चेंज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं हमारी जो पिक्चर है वो पूरी तरह से ब्लर हो रही है। अब हम स्लैम पोस्ट के ऊपर पर्टिकुलर फोकस एक्टिवेट करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम कैमरा को, जो हमारा 3D व्यू है, उस कैमरा को हम राइट क्लिक करके शो कैमरा पे क्लिक करेंगे। और जैसे हमने शो कैमरा पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये एक्टिवेट हो गया है। और अब हमें ये डिस्टेंस चेक करना है कि स्लैम पोस्ट से हमारा जो डिस्टेंस है कितना है कैमरे का। तो हम डिटेल लाइन पे जाएंगे और यहाँ से सर्कल लेते हैं और डिस्टेंस चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कितना डिस्टेंस है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर का डिस्टेंस है। तो ये जो 7 मीटर का डिस्टेंस है, ये फोकस डिस्टेंस में हम डाल देंगे। और जैसे ही यहाँ पे हम ये 7 मीटर डालेंगे, आप देख सकते हैं हमारा जो फोकस है वो ऑटोमेटिकली स्लैम पोस्ट के ऊपर आ गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्डिंग का जो कॉर्नर है उसका भी हम फोकस देखते हैं। तो पहले डिस्टेंस देख लेते हैं, ये 28 मीटर है, तो वही 28 मीटर हम यहाँ डालेंगे। और आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो कॉर्नर है उस पर हमारा फोकस एक्टिवेट हो गया है, और उसको हम बढ़ा सकते हैं डी फोकस को, और ये इम्पैक्ट आपके सामने है। तो विनेटिंग ऑप्टिकल सेटिंग भी जब हम करेंगे, तो यहाँ से कॉर्नर आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्क हो जाएंगे, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं फॉर बेटर क्वालिटी। अब डी फोकस को भी हमने बिल्कुल कम कर दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्टॉप कर देंगे रेंडरिंग को हम, और कुछ सेटिंग को चेंज करेंगे और नाइट इम्पैक्ट हम यहाँ से देखते हैं लाइट का। तो यहाँ से हम बाहर आते हैं और सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे आने के बाद शेयरिंग पे जाएंगे और यहाँ से कुछ हमारे पास डिफॉल्ट सेटिंग है, वो सेटिंग हम एक्टिवेट करने के लिए उसको सेलेक्ट करेंगे, या आप डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। ओपन करने के बाद इम्पोर्ट करेंगे और यहाँ से लाइट को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद मटेरियल ब्राउजर पे आपको जाना है, और यहाँ से ग्लोबल मटेरियल में जाने के बाद ओपेक मटेरियल और ट्रांसपेरेंट मटेरियल ओवरराइड दोनों को हम ऑन कर देंगे, ताकि जो इम्पैक्ट है लाइट का वो मटेरियल के ऊपर हमें अपीयर हो। यहाँ से हम वीरे पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से अब आप नोटिस कर सकते हैं जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, नाइट इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पे और प्रॉपर यहाँ पे। और आप स्लम लाइट का इम्पैक्ट देख सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट इम्पैक्ट है। इसके अंदर हम चेंज करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी हमारे पास अलग से सेटिंग है। अब यहाँ पे ओपन लेंस इफेक्ट सेटिंग है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, और यहाँ से ब्लूम इफेक्ट को ऑन कर देंगे, इंटेंसिटी को ऑन कर देंगे, और यहाँ से ग्लेयर इफेक्ट को, साथ के साथ हम ग्लेयर मास्क को भी ऑन कर देते हैं। तो आपको भी इम्पैक्ट दिख रहा होगा हल्का सा, और बाकी हम चेंज करेंगे। अभी देखो ऊपर नो चैनल आ रहा है, तो इसे हम एक बार क्लोज करेंगे, उसके बाद ये सेटिंग हमारी एक्टिवेट होगी। तो हम एक बार इसे यहाँ से दोबारा से क्लिक किया, अब ये देख सकते हैं जैसे रेंडरिंग हमारी फिनिश हुई दोबारा से, तो जो इम्पैक्ट हमने सेटिंग चेंज किया था ब्लोम इफेक्ट ब्लोम मास्क, तो वो इम्पैक्ट आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से भी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं अलग अलग इफेक्ट के लिए। तो अभी हम RGB रखेंगे इसे, तो RGB पे हमने क्लिक किया, और अब हम यहाँ पे वेट साइज और शेप को बढ़ा के भी देख सकते हैं, तो उससे इम्पैक्ट आपके सामने है। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, तो जो भी बेहतर इम्पैक्ट आपको लगे वो इम्पैक्ट आप रख सकते हैं। यहाँ से हम वेट को कम कर सकते हैं, जो ग्लेयर इफेक्ट है, साइज को बढ़ा सकते हैं,
तो इस तरह से आप ये चेंजेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।